इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने के बावजूद मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। फिरोजाबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक नाबालिग का जबरन धर्म बदलकर उसकी शादी करा दी गई। पुलिस ने इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 आरोपियों का जुर्म बेहद संगीन है। इन लोगों पर 15 साल की नाबालिग लड़की का जबरन धर्म बदलवाने और फिर निकाह कराने का आरोप है। इस गुनाह का मुख्य आरोपी सलीम नाम का युवक है जो गुजरात की फैक्ट्री में काम करता था। सलीम फिरोजाबाद की जिस फैक्ट्री में मजदूरी करता था, नाबालिग के पिता उसी फैक्ट्री में कैंटीन चलाते थे। लड़की अपने पिता के साथ कैंटीन में काम करती थी। आरोपी लड़की को अपनी बातों में फंसाकर यूपी के फिरोजाबाद भगा ले आया। आरोपी ने अपने पिता और बहनोई की मदद से उसका धर्म बदलवाया और निकाह कर लिया। पीड़ित के पिता ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने उसका नाम रख दिया मासूम, उससे कर लिया निकाह। अब उसकी उम्र है 15 वर्ष, ये संभव नहीं है, तो उसका पॉक्सो एक्ट लगाया गया और धर्म परिवर्तन की धारा भी लगाई गई, अपहरण की धारा लगाई गई, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको जेल भेजने का कार्रवाई कर रहा है। फिरोजाबाद के बाद फतेहपुर की खबर देखिए, यहाँ भी जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। फतेहपुर के विजय सुनकर नाम के इस शख्स पर आरोप है कि इसने खुद इस्लाम कबूल करने के बाद अपने परिवार के लोगों पर भी इस्लाम कबूल करने और मुसलमान बनने का दबाव बनाया। पति के दबाव से तंग आकर पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला की तहरीर पर तत्काल थाने पर शांति धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा उसका मित्र जो मुस्लिम है वो भी ट्रक चलाता है, उसकी सोहबत में आकर के उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। मेरठ में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। हत्या के केस में जेल में बंद ताराचंद नाम के कैदी का धर्मांतरण का मामला सामने आया था। हालांकि ताराचंद ने सफाई दी कि उसने नमाज जरूर पढ़ी लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। जेल में जाने के बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा, भाई अगर मैं नमाज पढ़ लूं तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? हमें कोई एतराज ही नहीं। फिर मैं नमाज पढ़ने लगा। ये सर्टिफिकेट किसने दिया इस्लाम कबूल करने का? सर्टिफिकेट कुछ नहीं है मेरे पास। जब आपने मैं चोर साबित कर ही दिया कि चोर है तो चोर की तरह रहना पड़ेगा। देखो अब तो यूपी में जबरन धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद उमर गौतम के बारे में हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि इन सब का कनेक्शन आखिर कहां से है और उमर ने और कितने लोगों को फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।